आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंडा करी रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये बनने के बाद। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक बार और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाएं। यहाँ पर हमने एक पतीले के अंदर ऑयल या घी गरम कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज को हम डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इनको हमें लगातार चलाते रहना ताकि प्याज अच्छे से भुन जाए। ये देखिए अच्छे से प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको हम एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। अब ये अंडे हमने बॉईल किए हैं, इनको एक एक करके इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इनको हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब तक ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, तेज पत्ता, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी लौंग इलायची ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और यहाँ पर दही लेंगे। अब इन सभी मसालों को सबसे पहले यहाँ पर हम लौंग इलायची को घी के अंदर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छी से भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है लहसुन की वो निकल जाए। इसके बाद इसके अंदर हम तेज़पत्ता डाल के ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। सारे मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद इन्हें हमें अच्छी तरह से भूनना है 2 से 3 मिनट तक। लगातार इसको हमें चलाते रहना है ताकि मसाला हमारा नीचे से जल नहीं जाए। इसके बाद जब मसाला इस तरह से भून जाए तो इसके अंदर हम दही को ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, इसके बाद जो हमने अंडे फ्राई करे थे वो इसके अंदर डालकर हमें अच्छी तरह से इसको चलाना है। इतने हमारे अंडे मसाले के साथ भुन रहे हैं। जो हमने प्याज को फ्राई करा था उनको हमें हाथों से अच्छे से क्रश करना है। अब ये अच्छे से क्रश हो चुकी हैं। इसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मसाले के साथ अंडे भुने हैं। अब ये प्याज इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। अब इसके अंदर हम आधा गिलास पानी डालेंगे जिससे हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए। आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को ग्रेवी खानी पसंद है, पतली या गाढ़ी। इसको अभी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाना है। अंडा करी हमारी बनकर रेडी है। आप इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, तंदूरी रोटी, चावल। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको हरे धनिया से हम गार्निश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।